उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सकुलपुर गांव में 6 दिन पूर्व शौच क्रिया के लिए गई युवती से छेड़खानी की घटना को अंजाम देने पर गांव वालों ने विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित पक्ष को इंसाफ न मिलने से गाँव छोड़ पलायन शुरू कर दिया है, जहाँ पुलिस ने पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरे पक्ष की वृद्ध महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्यशैली से गांव के लोग घरों को छोड़ निकल गए हैं, 2 दिनों से बच्चे भूखे प्यासे भटक रहे हैं। वहीं दबंगों द्वारा पिटाई से घायल हुए पीड़ितों की माने तो गांव के दूसरे पक्ष के लोग घरों से अगर बहन बेटियां जंगल शौच क्रिया के लिए जाती हैं तो उनके साथ छेड़खानी की जाती है, और अगर कोई विरोध करता है तो उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय उल्टा उन्हें धुन्नी सिंह के दबाव में परेशान किया जा रहा है। हुआ था इस गांव के अंदर क्या हुआ था? हम नहीं रहे भाई, या सुनन को मिला है कि औरत टट्टी को जाती रही है तो उसको मतलब छेड़छाड़ किया है। हाँ, तो वही में बोले हैं तो वही मारपीट भाई। ये भाई हम तो नहीं रहे, हम तो अस्पताल में रहे हैं। तो कौन लोग मारपीट किए? ठाकुर बाबा। क्या वजह थी? ये अजय रही है कि छेड़छाड़ करते रहे तो वो बोले हैं कि भाई ऐसे क्यों करते, सबकी बहन बेटी है। तभी उन्होंने आके अपने गाँव से यहाँ पर मार कर दिया दुआरे आके। हाँ, यही हुआ। नहीं तो यहाँ पुलिस ने तुम लोगों की कोई सुनवाई की है? वो भैया पुलिस पारी है। नहीं, पहले कोई सुनाई हुई थी? नहीं, कोई सुनाई हुई नहीं, तभी तो चली गई हूँ। कहाँ है पूरा परिवार? कहाँ है आपका? हमारा पूरा परिवार डर के मारे भाग गए। भैया कह रहे हैं कब भर पुलिस पड़ी रहेगी, कब भर पुलिस तुम्हें बचाएगी, कब भर पड़ी रहेगी। क्या कोई FIR भी हुई क्या आप लोग के नाम? हाँ भैया, हमारे बच्चे 3 तो पकड़े हैं। अच्छा, हाँ, आप ही के साथ गलत हुआ, आप ही के लोग पकड़े भी गए हैं? उल्टा केस लगाते हैं भैया। आरोपी कोई पकड़ा गया है कि नहीं अभी तक? कोई नहीं पकड़ा गया, मैं कोई मालूम नहीं ना, उन लोगों तो बता में सब घर में है। आपकी FIR दर्ज हुई है? अब हम नहीं बता सके बाबू, हम यहाँ रहे नहीं ना भैया राजा। हाँ, बच्चे बेचारे 2-3 दिन के भूखे पड़े ना। क्या गांव से कुछ लोग पलायन भी कर गए हैं क्या? गांव छोड़ चले भी गए क्या कुछ लोग? हाँ भैया, डर के मारे भाग गए, कहते ना यहाँ पे मारा मारा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया सुब्रत है। हाँ जी साहब, ये हुआ कि मान लो हमारे लोगों की लड़की बहू जो है, मान लो जंगल जाती है, लाइटिंग पैक्ट्री जाती है, तो ठाकुरों के पंडितों के लड़के जाते हैं, छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ऊपर मारते हैं, मारते कुल्हाड़ी पा गई, कुल्हाड़ी से मान ली, फरसे से भी मारते हैं, मान लो कहते घरों में चढ़ के आया आके हमारे मारते हैं। अगर थाने जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। मान लो मंत्री जी का फोन आया, सब सन्ना जाते हैं, फतेहपुर गए, DM के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ गए, कोई हमारी सुनाई ना हुई। हमारे साथ साथ साहब मान लो वो मोहम्मदन एक मुस्लिम असलम प्रधान है, ये कहते हैं कि मुसलमानों की जनती वो भी उन्हीं की सह से ये लोग लड़ रहे हैं, ताकि हमारी कोई सेफ्टी नहीं, कोई सुनाई प्रधान ने नहीं करी कि ये कहा कि हमसे कोई वास्ता नहीं भाई, अपनी मार अपने से देखिए जाके, हम नहीं जानते साहब इस तरह का मामला। क्या उनके नाम भी FIR हो गई? उनके नाम भी FIR कर दी गई थी, हम लोग उनके साथों भाइयों के नाम डाल दिए गए। तो आप लोग मतलब क्या सब लोग यही हैं घर में? अरे साहब मान लो देख लो सब, ये खाली पड़ी डर के मारे भाग गए साहब। जय दिन ये साहब लोग हैं, पुलिस है, वो जिस दिन हमारे लोग बचाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से पुलिस हटी नहीं कि फिर इनको सालों को घर में घुस के मारो, तमंचा ले लेके मारो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक साहब। सिंह BJP सरकार में मंत्री हैं, जिसकी वजह से पुलिस गांव में डेरा डाले बैठी हुई है। इसी के भय से घर वाले घर छोड़ दिए हैं। हालांकि इस बारे में जब एडिशनल SP से बात की गई तो उनका कहना था कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से 5-5 लोगों को उठाकर जेल भेज दिया गया है। सबको समझा बुझाकर शांति व्यवस्था कायम की गई है। जो इसमें दोषी होगा तो उसके ही खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस घटना में प्रधान के खिलाफ चुनावी रंजिश के चलते मुकदमा दर्ज किए जाने पर पुलिस ने कहा कि रंजिशन मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, अगर जांच में प्रधान दोषी नहीं होंगे तो उन्हें जांच से हटा दिया जाएगा। वहीं इस घटना से पूरे गांव के अंदर दहशत फैली हुई है, जहां लोग सत्ता के मंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा पीड़ितों पर कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पर सर क्या करें, हम लड़की बेटी बहुत जाती है, टट्टी साहब को तो यहाँ का ठाकुर पंडित सब घसीट रहे, जबरदस्ती मार रहे हैं, हम तनको बोलते हैं तो हमको भी मारते हैं। थाने पुलिस थानेदार के पास गए, DM कलेक्टर के पास गए तो साहब हमारी कोई सुनाई नहीं करते। धुन्नी सिंह मंत्री ऐसा है कि वो खून एक ठोकर दिया तो कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर सर हमारी, और वही सब वहाँ भेज रहा है, वही बुला रहा है,
और वही बुला बुला के सब लड़कों की हमारी औरतों की लड़की की बेइज्जती करवा रहा है। और सर हमारी कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। क्या तुम लोगों के खिलाफ भी कोई FIR दर्ज हुई? हाँ सर, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। FIR किसके खिलाफ दर्ज हुई है? तुम लोगों की कि उन लोगों के खिलाफ? सर हमारे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कहाँ जाएगी? हाँ, 5-6 लोग पकड़े गए और जो पकड़ जो यहाँ रह रहा सब उसको भी पकड़ पकड़ के उठा उठा बंद कर दे रहे हैं सर। कितने लोगों ना FIR हुई तुम लोगों? करीब 5 आदमी अभी पकड़े गए और 40 आदमी के नाम FIR करिए। 16-17 आदमी का नाम 16-17 आदमी नाम। सारे लोग क्या बंद करके यहाँ से चले गए क्या आप लोग गांव से? तुम्हारे क्या कहें साहब, जब पकड़ पकड़ के उठा के बंद कर रहे हैं तो इंसान क्या करेगा सर, बताइए आप। और दुनी सिंह सर ऐसे हैं, वो एक फोन करते हैं, उनके मंत्री हैं सर, तो किसी के ठाकुर के अलावा किसी की मान ही नहीं रहे वो। और वो एक फोन कर देते हैं ना को DM मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा, कोई न्याय नहीं मिल रहा सर, ना थानेदार ना हम। ये दवा कराने गए सदर अस्पताल और हुसैनगंज, यहाँ कोई सुनाई नहीं। सदर अस्पताल फतेहपुर गए वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। DM साहब के पास गए वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। कप्तान साहब के पास गए वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। वो वहाँ से फ़ोन कर देता है और जब फ़ोन कर देता है सर तो वहाँ से चार जब कह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर हटे कि ले ले असलहे लेके कुल्हाड़ी बंदूखे लेके कुल्हाड़ी है तो हमारे देखो सर बनाई हुआ है कुल्हाड़ियों की, ये मार पड़ी हमारे कुल्हाड़ी और फरसों की। और कहने अगर पुलिस तनको हटी कि कहन फिर हम कि इनको एक एक को जान से मार डालेंगे, ले असलहे और बंदूखे ले लेंगे। ये तनको हटा शोर से कि बस जुट जाएंगे मारने के। तो सर हमारी कोई सुनाई नहीं अब। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम निज़ाम अहमद सर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सकुलपुर गांव में वहाँ पे दो बच्चों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, क्या है सर पूरा मामला? दो बच्चों के बीच मारपीट हुई थी, दोनों तरफ से तहरीर आई थी, दोनों का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों की तरफ से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एहतियातन जो है पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है और मैं खुद गया था वहाँ पर कि कोई वहाँ से पलायन किया हो, सबको समझाया बुझा करके शांति व्यवस्था कायम की गई है और जो इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस कड़ी कार्रवाई की। अब तक कि सर प्रधान का कहना है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी दिखाया गया है, ये जांच का विषय है और नाम आ जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लोग लिखा देते हैं, रजिस्ट्रेशन लिखा देते हैं, अगर साक्ष्य होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, नहीं साक्ष्य होगा तो उसमें योजना से नाम निकल जाएगा। तो सर अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? मेरे हिसाब से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई दोनों बच्चों की तरफ से।